ज्ञान अभियान आपका अपना क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो में हम 6 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कल के 14/9/2017 को आया हुआ है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 0.25। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। क्या है हमारे पास 256 टू द पावर 0.25। इसका मतलब क्या हो गया, 256 टू द पावर 1/4। अब इस 256 का फैक्टर कर लेंगे, 256 का फैक्टर करते हैं। 2 6 12 2 4 2 16 2 8 2 4 2 2। तो कितने टाइम्स 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4 to the power 1/4, या फिर 4 to the power 4 × 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर 4, है ना। तो ये चीज हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स 3x-6 and 7x-21। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं, क्या है 3x-6 and 7x-21। तो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x-6। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0, ये हो जाएगा 3x = 6x = 6/3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 7x-21 = 0। ये हो जाएगा 7x = 21 और x इक्वल टू हो जाएगा 21/7, 7 × 3 = 21। तो ये हो गया x का वैल्यू हमारा, यहाँ हो गया 3। तो अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमने जीरोज निकाला 2 और 3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 × 3 = 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर L पैरेलल M पैरेलल N, L, M और N, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। तो दे रखा है इफ y ratio z = 3:7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन लेते हैं। Let y equal to 3x and z equal to 7x. According to questions क्या हो जाएगा, y plus z equal to 180. It means 3x plus 7x equal to 180. यह हो गया 10x equal to 180. x equal to 180 upon 10. तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 18. तो z इक्वल टू निकाल लेते हैं, z इक्वल टू हमारे पास क्या, z हमने मान रखा है 7x, तो 7x इट मीन 7 × 18। ये हो गया इतना डिग्री, है ना। तो अब लिखेंगे z इक्वल टू x, क्यों, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। सो x इक्वल टू हो गया 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, टू विच एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a (8,4) and b (-2,4) पैरेलल। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक्सिस लिखना है, समझने के लिए मैंने ये बनाया। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं 8,4। तो 8 इट मीन्स x ये हो गया और 4 ये हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,4, ये पॉइंट हो गया हमारा 8,4। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं -2,4, तो -2 ये है और 4 ये है, ये हो गया -2,4। अब अगर इसको हम मिलाते हैं, इस लाइन को अगर हम मिलाते हैं ऐसे, तो ये किस एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, किस एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमने रफ में किया, हमें सिर्फ लिखना ये है, इस ये रफ में ऐसे हम करके देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा इसका ट्रिक क्या है कि अगर y
का y का वैल्यू सेम हो तो वो x के पैरेलल होगा, और अगर x का वैल्यू सेम हो तो y के पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, ए बी और सी, इसमें क्या कहता है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ये और ये आपस में बराबर है, और एंगल ए इक्वल टू 52 डिग्री, ये 52 डिग्री है, तो हमें व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी, हमें ये वाला पता करना है। तो ये साइड और ये साइड बराबर, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। लेते हैं सोल्यूशन, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, देयर फॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल ए इक्वल टू दे रखा है कितना 52 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 52 डिग्री। अब नाउ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तो एंगल ए का वैल्यू 52 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू ये भी 52 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री दिया हो गया। 52 इक्वल टू 104 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 104 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 76 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 6 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट लीनियर इक्वेशन 5x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2 इन इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में दे रखा है, इसको टू वेरिएबल में लिखना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं, लिखते हैं 5x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2, या फिर अब टू वेरिएबल का मतलब एक x हमारे पास है, दूसरा वाई हमें अपने मर्जी से लेना है, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 0y, है ना, क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही वैल्यू रह जाएगा, और इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2, या फिर 5x प्लस 0y, और ये इधर से आएगा तो प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये कल इट मीन 14/9/2017 के एग्जाम में आ चुके हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पॉसिबल है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने हर क्वेश्चन के लिए हमें व्हाट्सएप करें।